भूत जैसे दिख रही हूँ क्या शूट कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शूट करने वाली हूँ मेरे मेकअप के ट्यूटोरियल के बिहाइंड द सीन्स। और अभी मैं मेरे मेकअप के ट्यूटोरियल के लिए मेरा कॉस्ट्यूम है वो सेलेक्ट कर रही थी। पहले मैंने सोचा था इसके ऊपर बनाती हूँ, फिर चिकू ने बोला कि बनारसी ये लुक पे बनाओ, तो बनारसी लुक बनारसी साड़ी के लुक पे बनाओ, तो बनारसी साड़ी अभी मेरे पास एक भी अवेलेबल नहीं है। सो मैं है ना मम्मी से लेने वाली हूँ आज बनारसी साड़ी। और आप आज पूरा दिन मेरे साथ बने रहेंगे क्योंकि आज का जो मेकअप का ट्यूटोरियल बनेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और जो मेकअप का ट्यूटोरियल मैं बनाती हूँ उसके लिए मैं क्या क्या प्रिपरेशन करती हूँ वो आपको देखने मिलेगा। तो अभी मैंने फाइनलाइज कर दिया है कि मुझे बनारसी साड़ी के ऊपर लुक क्रिएट करना है। और बनारसी साड़ी के ऊपर जो मैं लुक क्रिएट करने वाली हूँ वो तो मेरे पास है नहीं, बनारसी साड़ी मैंने ऑलमोस्ट सब पे क्रिएट कर दिया है। तो मैं मम्मी से लेने वाली हूँ साड़ी। तो मम्मी अभी थोड़ा घर का मैं काम कर लेती हूँ और फिर मैं मम्मी से साड़ी लूँगी बनारसी। अब कौन सी लूँगी वो भी मैं सोच रही हूँ क्योंकि मुझे एकदम दिमाग में नहीं आ रहा कौन सी पहन के वीडियो बनाओ जो आपको पसंद है। मम्मी से मैं साड़ी लेके आ गई हूँ यहाँ पर। चिकू को पूछ रही हूँ कि कौन सी साड़ी मेरे मेकअप के ट्यूटोरियल में पहनी जाए। मैंने अभी बहुत टाइम हो गया सारा ब्लैक ग्रे टाइप का बहुत ज़्यादा हो गया। अभी मैं रेड कलर का जो बनारसी साड़ी है उसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहते हैं। और मेकअप का ट्यूटोरियल जो मैं बनारसी साड़ी पे बनाती हूँ वो आपको वेडिंग्स में काफ़ी हेल्प करता है, तो वेडिंग्स वगैरह में रेड कलर ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलो रेड पे ही बनाते हैं। आप देख रहे हो ना ट्यूटोरियल बनाने के पीछे ये सारी जर्नी है मेरी, और इस जर्नी में इतनी किचकिच होती है, इतना लड़ा जाते हैं दोनों बहुत ही ज़्यादा। अभी तो मुझे थ्रेडिंग वगैरह सब बनानी बाकी है, तो एक बार मैं घर से इसके लिए चूड़ियाँ ले लेती हूँ और थ्रेडिंग तो शॉप पे जाके बनानी है। ये चूड़ा पहन लेती हूँ, तो ये वाली चूड़िया उस साड़ी के साथ परफेक्ट जाने वाली है। सब थैली में पैक हो गया है, अब जाते हैं हमारे मेकअप के स्टूडियो पर और ट्यूटोरियल सुबह बनाए शाम को बनाए वो भी देखेंगे क्योंकि कस्टमर होंगे तो शाम को ही बनेगा। लो चलो टेटे साहब। ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से सेटअप हो गया है। ये अभी माइक लगेगा यहाँ पे। ये माइक यूज करेंगे। शॉप पे आने के बाद अभी तो चिकू ने पूरा आपको स्टूडियो दिखाया है कैसे वो पूरा सेटअप करते हैं। अभी तो मैं बैठूंगी, इसके बाद लाइटिंग और सेट होगी और मेरा फेस लाइटिंग में अच्छा लगे उसके लिए मैं भी मेरे फेस को प्रिपेयर कर रही हूँ। थ्रेडिंग बनानी बाकी थी, रोशनी है नहीं तो मैं खुद ही बना रही हूँ। और अभी मैंने आगे शॉप करो से प्लकर परचेज़ किया, मेरा पुराना प्लकर है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया, सो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये था। थ्रेडिंग बन गई है, अब मैं जा रही हूँ स्टूडियो में। साड़ी और ये तो यहीं पर पड़ा हुआ है, एसी ऑफ कर देती हूँ। तो मैं आज सूट में ही बनाने वाली हूँ मेकअप का ट्यूटोरियल क्योंकि मैं टी शर्ट लाना भूल गई थी। अब बाहर से लाए क्या शुगर के प्रोडक्ट्स? नहीं नहीं सेटअप कर रही हो, तो बाहर से शुगर के प्रोडक्ट लेके आती हूँ मैं। तो ये हमारा पूरा सेटअप है और पीछे लाइटिंग आज रेड रखी है क्योंकि साड़ी में रेड वेयर कर रही हूँ इसलिए। और स्टूडियो के साथ और कुछ करने का सोच रहे हैं क्योंकि ये वाला जो प्लेन वॉल है वो हमको कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो चेंज करेंगे बहुत जल्द। पर अभी तो मेकअप का ट्यूटोरियल ही बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे प्रोडक्ट्स मेरे ले आई हूँ और शिट मैं भूल गई एक चीज़ और लेके आती हूँ। रेडी? पानी भी लेती हूँ, थोड़ा गला साफ रहेगा। थ्री टू वन स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, गुड व्लॉगिंग वाला ये चक्कर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू मेकअप ट्यूटोरियल। आज का मेकअप ट्यूटोरियल है बनारसी साड़ी के ऊपर जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था आप लोगों को जो मैंने पे सुना है, तो हम तैयार करेंगे। तो
तो थोड़ी सी मेरी आवाज़ ख़राब है उसको। मूज शुगर का द मोस्ट एलिजिबल स्मूथनिंग प्राइमर। मैं सोच रही हूँ कि बैकग्राउंड चेंज करूँ, और अगर मैं बैक पर कोई कलर पेंट करती भी हूँ तो मुझे सजेस्ट कीजिए कौन सा कलर पेंट करूँ, क्योंकि इस कलर से अब मैं बोर हो चुकी हूँ। और मेरे आपने पहले की जो ट्यूटोरियल देख रखे हैं मेकअप के, उसके अंदर तो क्या ही बैकग्राउंड था, क्योंकि वो घर पे था, इसलिए उससे हम कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, बहुत सारी चीज़ें मंगवाते भी रहते थे। और वो ये रूम भी छोटा है ना थोड़ा, पर इस रूम को भी हम बहुत अच्छा स्टूडियो बना लेंगे। सेट द टोन पाउडर से, शुगर का सेट द टोन पाउडर है और ये बहुत ही अच्छा है। तो मेकअप का ट्यूटोरियल मैं बना रही हूँ और रोशनी आ गए हैं हमारे स्टूडियो में, अभी बैठेंगे यहाँ पे, चिकू थोड़े फ्री हो जाएंगे उस वजह से। आईलाइनर जस्ट कर रख देना, दे दो स्टील वाला दे दो। कैमरा ओवरहीट हो चुका है, तो क्यों ना मैं इस ब्रेक टाइम में खुद को थोड़ा, मैं भी गर्मी से परेशान हो रही हूँ क्योंकि एसी में सामने तो आ रहा है, पर थोड़ा अंदर कूलिंग चला जाएगा, मेकअप ट्यूटोरियल और अच्छा बनेगा। बहुत जल्दी दिख रही हूँ क्या, शूट करो। मैंगो अच्छा है। मेकअप यहाँ पे डन हो गया, अब रोमा मेकअप स्टूडियो में जा रही हूँ रेडी होने के लिए। साड़ी वगैरह सब कंप्लीट अब पहन के आती हूँ, आधी अधूरी अभी तैयार हुई हुई हूँ। कैसी लग रही हो? निकाल लो। मेरे तो कोई नखरे नहीं है, मेकअप के लिए नखरे करने पड़ते हैं। मेकअप बहुत शौक है। शौक कैसे, जब हो रहे होते तब तब होता है, बाकी ऐसे तो चलता है। यहाँ पर मिस्कॉस की नेल पेंट्स लग रही है। नेल पेंट लग चुकी है। ग्रीन लगाऊं ना बिंदी? रेड अच्छी लग रही है ना ज़्यादा। मेकअप का ट्यूटोरियल कंप्लीट बन चुका है, अभी फोटोज़ क्लिक होंगे और यहाँ पर जो भी मैस हो रखा है वो सारा रोशनी भी संभाल के ले जा रही है इसमें डाल के। और मैं कैसी लग रही हूँ? आई होप आपको ये आज की वीडियो में देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मेकअप का ट्यूटोरियल ऐसे ही नहीं बन जाता है। तैयार होना सबको अच्छा लगता है, पर तैयार होने के पीछे मेहनत कितनी है। 3 लोगों की टीम है पूरी। फोटोग्राफर साहब पीछे खड़े फोटोज क्लिक करने स्टार्ट कर दिए हैं उनके नए लेंस से। ये अच्छा नहीं है ये, तो इसमें मैं गुस्सा ही तो कर रही हूँ। नहीं आया तो मस्त रहे, बोलो ना थोड़ी हंसियो। चिकू का पसीना बहुत हो रहा है, चिकू का पसीना बहुत हो रहा है। आज हमारी मैडम जा रही है फोटो शूट कर रहे हैं, इतनी दूर से फोटो खींच रहे हैं। और क्या चाहिए हमें चेंज को? साड़ी के ये हमारी मैडम की शूट चल रही है। चिकू पे देखो नीचे बैठ गए हैं पूरे शूट करने। भी जाएंगे। इस मैडम को बहुत गर्मी लग चुकी है, बहुत ज्यादा गर्मी। एसी के सामने आके खड़ी हो गई हूँ मैं। छिपू और मेरी दोनों की हालत जबरदस्त खराब हो गई है। फोटोग्राफर कहाँ भी बैठ सकते हैं, फोटोग्राफर कहाँ भी बैठ सकते हैं।
सबसे पहले तो बांधती हूँ बाल, फिर मेकअप हटाऊंगी। ऐसे ऊपर जुड़ा होना तो कभी अच्छा लगता ना। हाँ। लेकिन वो ज्यादा खुला ज्यादा अच्छा लगा। हाँ। सब निकल के फेंक रहे हैं मैडम जी, नेक्स्ट टाइम कुछ काम ही नहीं पड़ेगा। तो अभी कर रही हूँ मैं मेकअप रिमूव, देख रही हूँ रियल लुक क्या है और मेकअप का लुक कौन सा था। रितिया बुरी नहीं दिखती है मेकअप हटा। लेकिन जिससे अब अभी दिख रहे हो देखो। हाँ। इनकी आईज कैसी लग रही है। अब दो दिन तक आंखें दुखने वाली है। हम्म, मच्छर गुज जाएगा। अरे यार मेरा मुंह खुला ही रहता है। उस समय जोरदार रहता था। लेकिन वो क्या कर लेती है, आई मेकअप। हाँ, आई मेकअप कर लेती हूँ। क्यों वाइट था और कलर कौन सा हो गया टिश्यू का। और अलग अलग कलर्स निकलेंगे अभी तो। दो तो हो चुके हैं। मेरा मेकअप हो गया है कम्प्लीटली रिमूव। अब अच्छे से फेस को वॉश कर दूंगी। कैसे बोल रहे हो। मेरा मेकअप हो गया है कम्प्लीटली रिमूव। अब फेस को वॉश कर दूंगी और यहीं पर बिहाइंड द सीन हो जाते हैं ख़त्म, क्योंकि मेकअप के ट्यूटोरियल के काम भी हो गए ख़त्म। अब आ गए हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो आज का आपको वीडियो आई होप अच्छा लगा होगा। आपको पता चला होगा कि मेकअप का ट्यूटोरियल बनाना आसान बात नहीं है, स्ट्रगल है बहुत। तो इस स्ट्रगल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। ओके बाय। सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो को तो मैंने एंड कर दिया, पर आपको हमारा जो कैमरा है उसको वापस से समेटना भी तो बताना मैं भूल ही गई, क्योंकि इसको समेटने में भी बड़ा समय लगता है। क्यों जी लगता है समय तो। इसने जोरदार फोटो खींची। ओके, तो ये अब जा रहा है इसके बैग के अंदर और अब फाइनली एंड है व्लॉग।